धोरणच्या हिंदी रंगाचे पुनरावर्तन एक तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पुस्तक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो एना एक ऑप्शन आपेला है, ऑप्शन में देखीने तमारे आ खाली जगह भरवानी है। तो सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं। तो घर में पहली खाली जगह में घर। रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया। तो कहाँ वो, उस खाली जगह में वो आएगा। मीना और स्टेमिनी खाली जगह जा रही थी तो बाजार। मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला तो बिच्छू को। शिकारी हिरनी को खाली जिया ले गया तो अस्पताल अस्पताल। अब प्रश्न बी में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, आपके किन किन कहानियों का पठन किया गया है? तो पहले फर्स्ट में हमने कहानियाँ पढ़ी थी, जो दयालु शिकारी, बतूनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी और समझदार नन्ही। अब दूसरा, अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखनी है तो वो सब आपको लिखना है। ये प्रश्न, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवर के अस्पताल में ले गया और वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। अब चौथा वाला प्रश्न है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधें। हम सब में समता और समानता की भावना जगाएं। हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। अब नन्ही बत्तख का स्वभाव कैसा था? पांचवा वाला प्रश्न, नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव किया करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं जानती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना ये वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बत्तख का स्वभाव था। अब ये पांच क्वेश्चन है वो आपको लिखने हैं कॉपी में। अब प्रश्न तीन में निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके पांच वाक्य बनाएं और वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि च, च से पांच वाक्य बना पर शब्द बनाने हैं, चमेली, चक्की, चतुर, चंपा और चंद्रमा। तो उनके वाक्य आपको बनाने हैं। तो चमेली, तो चमेली का फूल खुशबूदार होता है। चक्की से अनाज पीसा जा सकता है। चतुर, रमेश चतुर लड़का है। चंपा, तो ये चंपा का वृक्ष है। चंद्रमा, तो चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। अब क्ष, तो क्ष के पांच शब्द बनाने हैं। तो क्षितिज, क्षत्रिय, क्षमा, शिव और सुधा। तो क्षितिज, तो यह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा। क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। क्षमा वीरों का भूषण है। शिव, तो शिव दूध को सिर भी कहते हैं। सुधा, तो मुझे बड़ी सुधा यानी कि भूख लगी है। अब है तरबूज, तराजू, तमाशा, तस्वीर, तलवार। तो तरबूज, यह तरबूज बहुत मीठा है। तराजू, तो तराजू से वस्तु का वजन मालूम होता है। तमाशा, तो हमने बंदर का तमाशा देखा। तस्वीर, तो ये ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीरें हैं। तलवार, तो तलवार की धार बहुत तेज है। तो ये पांच वाक्य बन गए। अब है भ, तो भ के पांच वाक्य बनाइए। भवन, भजन, भक्त, भक्षक और भगदन।
तो भवन, तो यह साला का नया भवन है। भजन, तो गांधी जी रोज भजन करते थे। भक्त, नरसिंह मेहता श्री कृष्ण के भक्त थे। भक्षक, हाय रक्षक ही भक्षक बन गया। भगदड़, तो धमाका होते ही चारों ओर भगदड़ मच गई। आ गए अब तो समान प्रास वाले शब्द जो हैं वो आपको बनाने हैं। तो समान रूप प्रास वाले शब्द जैसे कि सामाजिक, पहला है तो सामाजिक में, तो सामाजिक का शब्द बनाना है प्रास वाले शब्द में। तो सामाजिक के आधार पर प्रामाणिक, सांसारिक और पारिवारिक। मानवता, तो दानवता, सज्जनता और स्वतंत्रता। भलाई, तो बुराई, हवाई, जुदाई। तो घबराहट, तो खड़खड़ाहट, ससराहट और फड़फड़ाहट। अब ये चार हो गए। अब चारों अपनी कॉपी में लिखने हैं आप लोगों को। अब प्रश्न आया पाँच, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखना है। यानी कि जो अंकों वाला है तो उन्हें शब्दों में लिखना, और शब्दों वाला है उनको अंकों में लिखना है। या तो पहला है 96, दूसरा है 67, तीसरा है 51 और चौथा है 88। ये आपको शब्द में लिखना है। अब 78, 57, 69 और 97, ये आपको अंकों में लिखना है, ठीक है। अब निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द में उनके वाक्य भी बनाने हैं। तो स्वच्छ का अस्वच्छ, तो उसका वाक्य बनेगा यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। देश का विदेश, तो पिताजी विदेश गए हैं, तो ये वाक्य बनेगा। प्रिय, तो अप्रिय, तो बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं। अधिक, तो कम, तो चाय में शक्कर कम है। अब प्रश्न सात, निम्नलिखित शब्दों के सामान्य शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सूर्य, सूर्य का सामान्यार्थी अर्थ रवि, तो दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। भूमि, तो जमीन, यहाँ की जमीन उपजाऊ है। प्राण, तो जान, दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। सहसा यानी कि अचानक, तो चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन आपको जो है वो आपको लिख देने हैं।